जयपुर से बड़ी खबर है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर एक बैठक होने जा रही है। बैठक होगी सीएमआर में, मुख्यमंत्री मौजूदगी में बैठक होगी। जानकारियां हैं कि 3 दिसंबर को, आपको बता दें कि 3 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी और उसके लिए एक बड़े इवेंट की तैयारी कर रही है पूरी सरकार। आपको बताएं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री विधायक जो है वो इसमें शिरकत करेंगे। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। यात्रा के दौरान तमाम जो इंतजामी तैयारियां हैं उसको लेकर चर्चा मंथन यहां पर होगा कि आखिर क्या चीजें करनी है। पार्टी के नेता पदाधिकारी जो है वो सीएम आवास पहुंचे, कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा की बाबत ये बैठक है और ये बैठक काफी अहम क्योंकि 3 दिसंबर को जो है ये जानकारी है कि 3 दिसंबर को राजस्थान में यात्रा का प्रवेश प्रस्तावित राहुल गांधी आएंगे और यात्रा के दौरान क्या तैयारियां रहेंगी, किस तरीके से किसकी क्या जिम्मेदारियां तय होंगी, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बैठक बेहद अहम है। पार्टी के तमाम पदाधिकारी नेता सीएम आवास पर ऑलरेडी पहुंच गए हैं। पार्टी के ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तमाम नेता पहुंचे, कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर में ये बैठक लेंगे, उसके बाद उनका दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है। सुशांत पारिक जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुशांत, कितनी बड़ी ये बैठक मानी जाए भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित, उसकी उसके स्वागत सम्मान के लिए किस तरीके से पूरा प्लान बनेगा, किसकी क्या जिम्मेदारियां तय होंगी, क्या इस बाबत दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे इस बैठक में? देखिए, निश्चित तौर पे बड़ी बैठक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राजस्थान वो राज्य रहेगा जहां पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी है और भारत जोड़ो यात्रा वहां आएगी, ये पहला राज्य होगा। और चूंकि ये गेम चेंजर के तौर पर देख रही है कांग्रेस पार्टी कि राहुल गांधी की यात्रा बहुत बड़ा जो है परिवर्तन ला सकती है राजस्थान में, तो कोशिश ये है कि मैक्सिमम एरिया कवर करवाया जाए। हालांकि अभी जो रूट बना है उसके मुताबिक ये है कि झालावाड़ से लेकर जो है अलवर तक का एक पूरा चार्ट बना लिया गया है कि किस तरीके से किन किन जिलों में होते हुए कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। अलवर में जिस तरीके से सभा रखी गई है, कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जयपुर जो है वो भी इस रूट में शामिल हो, तो उस रूट को लेकर यहाँ पर चर्चा होनी है। लेकिन साथ ही में चूँकि करीब 21 दिनों का सफ़र रहने वाला है इस यात्रा का राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान उसमें कवर होगा, हाड़ौती का एक बड़ा इलाका उसमें कवर होगा, ऐसे में सीएम अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी देना चाहते हैं किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं हो। और हाल ही में हमने देखा कि पीसीसी चीफ हैं, धर्मेंद्र राठौड़ हैं, प्रमोद भाया जैन हैं, रामलाल जाट हैं, ये सभी नेता वहाँ महाराष्ट्र में जाकर यात्रा की तैयारियों का जायजा लेकर आए कि रूट में क्या चीज़ों की जरूरत होती है, किस तरह के प्रबंध चाहिए। एक बड़ी बैठक हुई है, राहुल गांधी से भी इनकी मुलाकात हुई है, ये सब मसले यात्रा की तैयारियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस का जो सियासी मसला है उसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, यात्रा पर उसका कोई असर नहीं हो, जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है पायलट कैंप की तरफ से या जिस तरीके से अजय माकन का इस्तीफा हुआ, उस बात को लेकर लगातार बयानों का दौर जारी है, तो मुख्यमंत्री इस बैठक में भी उस मुद्दे को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक समायोजन हो सभी नेताओं के बीच में। और उसके बाद जो बात हम कर रहे हैं कि वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में पार्टी नेताओं से उनकी मुलाकात है, वो भी निश्चित तौर पर यात्रा के संबंध में होगी। राजस्थान के सियासी मसले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मिल सकते हैं और फिर कल जो है इंदिरा गांधी की जयंती है उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो यात्रा का रूट आज फाइनल कर लिया जाएगा, यात्रा की तारीख आगे पीछे हो सकता है, जिस तरीके से कुछ बदलाव, दो चीजें मैं और समझना चाहूंगा इसके इतर, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया एक मंच पर ना पायलट और गहलोत कभी साथ में नजर आए नहीं। कल भी एक अहम मौका था सरदार सरोवर चुनाव का, वहां पर भी सचिन पायलट साथ में नहीं थे। आमतौर पर दिखाने के लिए एटलीस्ट हो जाता था कि हाँ भाई साथ में है, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा है। वैसे में तलखियां बढ़ी हैं, पहली चीज ये, इससे कैसे निपटेगी इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, क्योंकि चुनौती राहुल गांधी के सामने बहुत बड़ी होगी, क्योंकि राजस्थान में दो ही राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार, वैसे में रिपीट करना बड़ी जिम्मेदारी है। वैसे में अगर ये मैसेज जाएगा कि तलखियां हैं तो खेमे में बटी नजर आएगी, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि इस यात्रा के बाद एक वर्ग ऐसा भी है जो राजनीतिक जानकार, वो कह रहे हैं कि चीजें क्लियर हो जाएंगी, आगे कमान किसके हाथ में जाएगी राजस्थान की, वो हद तक काफी हद तक राहुल गांधी यहां से क्लियर करके जाएंगे। तो इन चीजों पर आपका नजरिया क्या कहता है?
देखिए ये बिल्कुल चिंता का विषय है पार्टी के लिए भी, अशोक गहलोत के लिए भी, कि यात्रा में किसी तरह का कोई खलल नहीं पड़े, क्योंकि जो बयान आ रहे हैं उनसे जाहिर है कि झगड़ा अब बढ़ रहा है। बयानबाजी ये बता रही है कि यात्रा से पहले ही पायलट खेमा जो है वो कोई फैसला चाहता है। जिस तरीके से हमने खिलाड़ी लाल बैरवा को सुना, दिव्या मदेरणा का जो ट्वीट आया, या जिस तरीके से पार्टी के नेता वेद प्रकाश सोलंकी जो बात कह रहे हैं, आज सुरेश मिश्रा खून से पत्र लिखने की बात कर रहे हैं कि पार्टी अध्यक्ष को वो लिखना चाह रहे हैं, तो ये सारी बातें चिंता का सबब है पार्टी के लिए। अशोक गहलोत, सचिन पायलट एक मंच पर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है राहुल गांधी के साथ, लेकिन राहुल गांधी किस तरीके के संकेत देते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनका जेस्चर क्या रहता है, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज दोनों नेताओं को लेकर रहती है और किस तरह का इशारा वो करते हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता तो अभी यही कि यात्रा का सुचारू जो संचालन राजस्थान में हो, किसी तरह का खलल उसमें पॉलिटिकली नहीं पड़े। सचिन पायलट भी यही चाहते हैं, अशोक गहलोत भी यही चाहते हैं, लेकिन पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो अपने अपने समर्थक कार्यकर्ता हैं, उनको समझाना, उनको मनाना एक बड़ी चुनौती इन दोनों नेताओं के लिए भी रहने वाली है। बहुत शुक्रिया आज सुशांत जी तमाम जानकारियों के लिए। तो सुशांत, हमारे ब्यूरो चीफ ने पूरी जानकारी दी कि ये यात्रा क्यों अहम है, इसके मायने क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।